हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल निडल गर्ल। आज हम लोग फ्रंट जिपर नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो जैसे हम लोग ओवरलैप नेक डिज़ाइन बनाते हैं वैसे ही बनेगा, बस फ्रंट पे जिप अटैच करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हमें फ्रंट पे जिप अटैच करना है। इसे बनाने के लिए मैंने पतली सी लेस ली है, चेन है हमारे पास और ये स्ट्रिप कट किया है मैंने, और जिस पे हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं उस टॉप को कटिंग कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिप को लेंगे और इसे खोल लेंगे। ये फोल्डेड में थी और इसकी चौड़ाई देखिए 3.5 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो है 36 इंच। इतना ही आपको लेना है। जिप आपको 11.5 इंच लेना है और ये एंड ओपनर जिप है, नीचे से ऐसे खुल जाती है। तो इसे हमें स्ट्रिप के एंड पे रखना है ऐसे 1.5 इंच छोड़कर, उसके बाद यहाँ पर अटैच कर देना है, ऐसे ज्वाइन कर देना है। सेम स्ट्रिप के दूसरी साइड आएंगे और दूसरी वाली चेन की स्ट्रिप को रखना है और ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। पहले चेन को हम लोग स्ट्रिप के मिडिल पर कच्ची सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे सिंगल फुट की हेल्प से, और उसके बाद स्ट्रिप को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करते हुए चेन को फील करते हुए हम लोग बिल्कुल किनारे से स्टिच कर लेंगे। अब देखिए सेम वैसे ही स्ट्रिप के दूसरी तरफ हम लोग चेन की दूसरी स्ट्रिप को अटैच कर रहे हैं, और ये जो देखिए एंड में ना आपको 3 ब्लॉक कट कर लेना है। उसे कट करके ऐसे स्ट्रिप को, चेन की स्ट्रिप को सिर्फ फोल्ड करते हुए लॉक कर लेना है। अब देखिए स्ट्रिप को ऐसे फोल्ड करेंगे और चेन को फील करते हुए बिल्कुल किनारे से हमें स्टिच करनी से मिला देंगे पहली वाली स्टिच से। ऐसा जिप यूज करना है जिसके पुलर को निकाल कर जिप को अलग अलग अटैच किया जा सके और फिर बाद में आप जिप पुलर को इजीली लगा सको। अब स्ट्रिप के दूसरे किनारे पे हमें लेस अटैच करना है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने चेन को अटैच किया, जिप को अटैच किया। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर लेस ली है और बिल्कुल फिनिशिंग से किनारे से हम लोग पूरी स्ट्रिप पे अटैच कर ली है। अब देखिए आधा इंच मार्जिन ऐसे फोल्ड करते हुए ऊपर नीचे फिनिशिंग से हमें स्ट्रिप को बंद कर लेना है। अगर आप जाली वाला लेस नहीं लगाना चाहते तो इसकी जगह आप पट्टी यूज कर सकते हैं या फिर कोई दूसरी टाइप की पतली लेस लगा सकते हैं। इसे अच्छे से चेक कर लेना है जो हमने जिप अटैच की है, चेन अटैच की है, वो सही से अटैच हुई है कि नहीं, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए ये बिल्कुल सही है। अब हमें टॉप को लेना है, बैक पार्ट को हटा देंगे और सिर्फ फ्रंट पार्ट पे स्ट्रिप के अकॉर्डिंग हमें नेक को कट करना है। तो नेक विथ मैं यहाँ पर 3.5 ले रही हूँ और नेक लेंथ यहाँ पर 8 इंच लेना है, और यहाँ से जो डिस्टेंस रखेंगे ये हम लोग 1.5 इंच रखना है। ऊपर से हम लोग यहाँ पर 13 इंच तक मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम लोग 1.5 इंच मार्क करके ऐसे मिला लेना है। ये जो हम लोग मेजरमेंट लगा रहे हैं ना, ये बिल्कुल स्ट्रिप से मिलाकर हमें एक्यूरेट मेजरमेंट लगाना है। तो स्ट्रिप रेडी होने के बाद, लेस वेस लगाने के बाद जितना उसकी चौड़ाई और लंबाई है उसके हिसाब से हमें मार्क कर लेना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने आधा इंच छोड़कर कट कर ली है। इस दो जगह हमें नॉचेस लगा लेना है और उसके बाद आयरन से हम प्रेस करके जस्ट एक क्रीज बना लेंगे ताकि हमें पता चल जाए जो स्टिच हमें इतने मार्जिन में करना है। तो इस तरह से मैंने आयरन से क्रीज लगा ली। अब देखिए इसको बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और पहले शोल्डर को अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद हम लोग स्ट्रिप को ऐसे चेन को बंद करेंगे। ऊपर से देखिए 5 इंच तक ही आपको खुला रखना है, ये एकदम सही रहेगा। अब हमें एक बार फिर से चेक कर लेना है नेक के साथ ये फिट हो रही है कि नहीं, छोटा बड़ा तो नहीं है, बिल्कुल सही है। अब हम चेन को खोल लेंगे और स्ट्रिप के नीचे से कुछ इंच छोड़कर ऐसे हमें रखना है कॉलर के जैसे, हमें इसे अटैच कर लेना है ऐसे राउंड में। तो मैं स्टिच करना स्टार्ट कर रही हूँ बैक नेक के सेंटर से, एक तरफ स्टिच कर लेंगे उसके बाद फिर दूसरी साइड से भी हम लोग बैक पार्ट से ऐसे आएंगे और स्टिच करते हुए हमें ख़त्म करना है सिलाई। इससे क्या होगा, आपका स्ट्रिप ऊपर नीचे नहीं लगेगा। स्ट्रिप को ऐसे पलट लेंगे और चेन को बंद कर लेना है ऐसे। बंद करने के बाद यहाँ पर नीचे से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है स्ट्रिप का, इसे हमें ऐसे अंदर डाल देना है और यहाँ पर से हमें टॉप स्टिच करते हुए पूरे नेक पे स्टिच करना है। अब देखिए इस जगह पे हमें बहुत धीरे धीरे हाथ से मशीन चलाना है क्योंकि यहाँ पर लॉक है चेन का, तो वो अगर निडल पे लगे निडल टूट जाएगी। तो बिल्कुल हल्का हल्का सा मशीन चलाना है, उसके बाद आप मशीन स्पीड कर सकते हैं और ऐसे पूरे कॉलर पे हमें टॉप स्टिच कर लेना है। पीछे की तरफ जो आधा इंच का मार्जिन है उसे आप रिवर्सिबल टेप से स्टिक कर सकते हैं या फिर हेम भी कर सकते हैं, तो मार्जिन जो है वो लेस की तरफ नहीं आएगी। ये देखिए हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अच्छा, जिसे डाउट है जिप खुल जाएगा, तो देखिए अच्छी क्वालिटी का जिप यूज़ करेंगे तो ये नहीं खुलेगा। इस डिज़ाइन को आप बना सकते हैं घर पे खुद की ड्रेस पे। कमेंट में बताना डिज़ाइन कैसा लगा, और भी ऐसे डिज़ाइंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।